मणिपुर में पिछले 3 महीने से चल रहे तनाव में भले ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हो और कर्फ्यू लगा हो, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी तनाव लगातार बरकरार है। एक ओर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, सेना तैनात है, तो वहीं दूसरी ओर चूड़ाचांदपुर के इस बॉर्डर पर अभी भी गाड़ियों की आवाजाही पर, लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक है। कई इलाकों में तो फायरिंग भी हुई है पिछले 24 घंटों में लगातार। आपसी मतभेद के कारण लगातार इस समय स्थिति उसी तरह बनी हुई है। एक ओर यहाँ पर कुकी का इलाका है, उनका रिहायशी इलाका है, तो दूसरी ओर मेतई का रिहायशी इलाका है जहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। तो आपको इन सारे होर्डिंग्स पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि किस तरह से लड़ाई की निशानियां यहाँ रह गई हैं। कहीं कुकी लैंड लिखा हुआ है, कहीं पर नो पार्किंग जोन, क्योंकि इस इलाके में अभी भी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से वर्जित है। हर व्यक्ति को आने और जाने के पहले यहाँ पर एंट्री करानी पड़ेगी। और ये सारी जो तैयारियां हैं वो ये ध्यान में रखते हुए कि लड़ाई अभी भी लगातार जारी है, ये सारे वो अवशेष हैं जो ये बता रहे हैं कि तबाही किस तरह से इस पूरे इलाके को लील गई है। दरवाज़ा है लेकिन घर नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर ये सारे वो यहाँ पर जले हुए वाहनों के अवशेष रखे हुए हैं जो अपने आप में बता रहे हैं कि यहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सन्नाटा तो पसरा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में हैं और कई लोग तो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। पर सवाल ये उठता है कि सरकार जब इतने दावे और वादे कर रही है तो फिर हाथ सिर्फ विफलता ही क्यों लग रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, मणिपुर, एबीपी न्यूज़।